झांसी में चोरों का आतंक अब इस कदर बढ़ गया है कि आम जन को तो छोड़िए, चोर पुलिसकर्मियों के घर में भी चोरी से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसे ही मामले में झांसी में एक पुलिसकर्मी के घर में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। झांसी में चोरों का आतंक जारी है, लेकिन अब चोर किसी आम आदमी के नहीं बल्कि पुलिस के घर को भी अपना निशाना बना रहे हैं। घटना झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्ती चौकी अलीगोल खिड़की बाहर से सामने आई है, जहां से बदमाशों ने लगभग 16,800 रुपए की नकदी के साथ अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर घर में रखा सिलेंडर, गैस चूल्हा आदि चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। बताया गया है कि नफीस अहमद पुत्र जमील अहमद अलीगोल खिड़की बाहर रहने वाला है, तो पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है और इस समय वह कानपुर में तैनात किया गया है। वह 3 दिन की छुट्टी पर झांसी आया था और जब वह घर पहुंचा तो उसके घर की स्थिति अस्त व्यस्त थी। घर का सामान बिखरा पड़ा था, साथ ही घर में रखे पैसे व अन्य सामान भी गायब था। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नफीस अहमद है। क्या घटना घटी? मैं आज अभी शाम को लगभग 7:30-7:30 बजे करीब मैं ग्वाले बरौनी मेल से जनपद कानपुर नगर से आया हूँ और मैं DCP ट्रैफिक साहब के यहाँ तैनात हूँ। आज मैं 3 दिन की अवकाश पर यहाँ पर आया हूँ, तो जब मैं यहाँ जैसे ही उतरा और घर का ताला खोलने के बाद मैं देखा कि पूरे हमारे कपड़े जो ब्रीफ केस रखा हुआ है हमारे पिताजी के, और आंगन में आए तो आंगन में हमारा ब्रीफ केस फैला रखा, और ये इस वाले दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। ये सब पूरा जैसा था मेरे निगाह के सामने जब मौके पर देखा, सेम वैसे ही अभी भी वैसा ही पड़ा हुआ है। और इस गोदरेज की अलमारी में हमारे दो पर्स रखे हुए थे वाइफ के। कितने कीमत का सामान गया है? तो बाकी पैसे तो वगैरह ज़्यादा नहीं रखते हैं, 6,800 रुपये करीब इसमें रखे थे इसमें, और बाहर की साइड में पर्स पड़ा हुआ है। 10,000 रुपये हमारे पिताजी के बैग में रखे हुए थे, उनकी भी कागज़ दस्तावेज वगैरह सब फैले रखे हैं, ये मेरे दस्तावेज वगैरह सब फैले रखे हैं, ये सब फाइल वगैरह, ये कपड़ा, और इधर की साइड में ये देखिए ये बैग जो है बाहर बैग डला हुआ है, मिक्सी वगैरह भी हमारी सीढ़ी पर रखी हुई है। आपने पुलिस को सूचित किया क्या? जी हाँ, पुलिस को सूचित किया मैंने, तुरंत डायल 112 को बुला करके मैंने तुरंत बताया उनको। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-Pharma, M-Pharma, BSc, B-Tech, M-Tech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. संस्कार सेवा समर्पण शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमेट, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।